ये तो डियर स्टूडेंट स्टूडेंट का ही सवाल है कि बीकॉम पार्ट वन और टू की रोल नंबर स्लिप कब आएगी। बच्चों तो पहले तो जुलाई में आनी थी क्योंकि पेपर जो थे वो 20 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अब क्या है, डेट आपकी एक्सटेंड हो गई है, तो इंशाल्लाह जो आपकी रोल नंबर स्लिप्स है वो अगस्त के महीने में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये तो बात की बातें हैं, रोल नंबर स्लिप्स वगैरह वो तो आ ही जाएगी, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप लोगों की तैयारी, अगर आप लोगों की तैयारी नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आपको तो सारा फिर वही आपने जो फीसें जमा कराई है पीओ वगैरह में वो सारी की सारी आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो अभी तो टाइम है, अब तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। 10 जुलाई से 23 अगस्त तक सारे स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई जा रही है, ग्रुप बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्योंकि ये पेड अकेडमी है, तो ही आपको सारी जो है ना चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक हो गया, तो ये थी वीडियो। और गेस्ट पेपर के बारे में बच्चों मैं पहले बता चुका हूँ कि गेस्ट पेपर जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे यहाँ पे उनको प्रोवाइड किए जाएंगे एटलीस्ट 3 मेजर सब्जेक्ट्स। ठीक है, वैसे अगर आप लोगों ने टेस्ट सेशन देना है फिर उसमें भी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, लेकिन वो एकदम नहीं होता, उसमें टेस्ट के जरिए आपकी तैयारी करवाई जाती है। फिर स्टूडेंट को बताया जाता है कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपने तैयार करने हैं, एग्जाम्स में आएंगे, इतने ज़्यादा नहीं होते, थोड़े ही होते हैं। मैंने पहले ही बताया, मैं कोई इस तरह नहीं कि ऐसी बस जबानी बताता, मैं लिख के बताता हूँ आपको, क्वेश्चन की पहचान बताता हूँ कि क्या क्या इसमें लिखना है। तो पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, लेकिन काइंडली वही स्टूडेंट आए जिन्होंने पढ़ना है। और अगर आप यहाँ पर एक्सक्यूज़ करने के लिए आए हैं तो बच्चों आपको यहाँ पर नहीं जगह मिलेगी, तो टाइम कम है, बजाय बहस करने से बेहतर है कि आप तैयारी करें, आप पढ़ें, क्योंकि पढ़ेंगे तैयारी करेंगे आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जाएगा। कोई पता नहीं HEC जो है ना वो अगले साल ही पॉलिसी कर लेगी, प्राइवेट हम ख़त्म कर रहे हैं, आपको कॉलेज में जाके जो है पढ़ना पड़ेगा, जैसे उन्होंने मास्टर वालों को भी बैन कर दिया है। तो अभी जिन जिनकी डिग्री है, जिनका लास्ट चांस है, तो वो इससे फ़ायदा उठाएं। और ये ग्रुप ग्रुप में जाने से बच्चों कोई फ़ायदा कोई नहीं होता, उसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो खुद भी तैयारी कर रहे होते हैं, वो आपको कैसे गाइड करेंगे। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट ये वाले काम नहीं करेंगे, उनको बस होगा कि हमें जो है ना किसी भी तरीके से पास करवा दे। तो बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है, यहाँ तक कि अगर स्टूडेंट के पास क्वेश्चन भी ना हो तो वो भी दे दिया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, टाइम वेस्ट मत करें, जब स्लिप आएगी बता दी जाएगी आपको।